अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर 365 में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क भर के मौसम की ताज़ा तरीन सूरतेहाल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, मौसम की बहुत ही बड़ी अपडेट है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, मगर अभी बारिशों का कमज़ोर सिलसिला इस वक्त मुल्क भर में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करनी हैं। जैसे कि इस वक्त खुशदार में एक ख़तरनाक तूफ़ान बन चुका है। यही तूफ़ान आज सुबह दोपहर के टाइम बन रहा था, अभी ये तूफ़ान मैच्योर हुआ है। तो इसी तूफ़ान की वजह से सूबा बलोचिस्तान के तमाम तर इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिशों की इतलात मौसूल हुई है। उसके साथ साथ दोस्तों, इसी तूफ़ान की वजह से इस वक्त मगरबी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिशों की इतलात मौसूल हुई है। कहीं कहीं तेज़ बारिश तो कहीं कहीं हल्की बारिश, जिनमें जोही वाले इलाके, वाई पांधी वाले इलाके, दादू के चंद इलाके, मेहड़ के तमाम तर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिशों की इतलात मौसूल हुई है। उसके साथ साथ दोस्तों, कराची के चंद इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं हल्की से दरमियाली दर्जे की बारिशों की इतला मौसूल हुई है। इस वक्त भी कराची के चंद इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला जारी था। तो दोस्तों, जो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, इस चीज़ को आप गौर से समझना और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक चीज़ पर आप गौर करें, इंडिया से इस वक्त मानसून हवाएं बिल्कुल कम आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त मानसून का ब्रेक लग चुका है। अब ये जैसे ही मानसून ब्रेक ख़त्म होगा, तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं, ये मानसून हवाएं इंडिया से बहाल हो रही हैं और जो मगरब से हवाएं आ रही हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं। दोस्तों, जैसे ही ये मानसून की हवाएँ बहाल होंगी, तो इंशाल्लाह बैक टू बैक मानसून स्पेल आएंगे मुल्क भर में। जी हाँ,